नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से मुखातिब होता हूं। आज 2 नवंबर 2021 बहुत महत्वपूर्ण दिन है, धनतेरस का। सबसे पहले आप सभी को कर्नल अजय एवं पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ राशियों के आधार पर कौन सी वो राशियाँ होंगी जो धनतेरस यानी दिवाली 2021 से दिवाली 2022 के बीच में सर्वाधिक लाभ कमाने की स्थिति में होंगी। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व को 3 राशियाँ यानी मेष, सिंह और धनु राशि यानी 1/5 का स्वामित्व दिया गया है। दोस्तों, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत शानदार राशियाँ हैं, बहुत अग्रेसिव राशियाँ हैं और संभवतः इस साल यानी दिवाली टू दिवाली, दिवाली 2021 टू दिवाली 2022 मिश्रित रुख रहने की संभावना है। बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, आपके परिवार के लिए, आपके स्वयं के लिए, आपका नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है, लेकिन मिश्रित रुख की संभावनाएं बनती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल गई हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा होना, लगभग पूरा होने के अंदर थोड़ा सा संशय है। तो याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा विशेष ख्याल रखिए। इसके अतिरिक्त पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए यानी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। धैर्य इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और इसके अंदर धैर्य के साथ साथ बुद्धिमता इस राशियों में कूट कूट के भरी होती है। इस साल पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये साल आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अंदर बढ़ोतरी चाहते हैं, कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ नया व्यापार व्यवसाय चालू करना चाहते हैं उस वर्टिकल या हॉरिजेंटल उसमें, तो संभवतः ये सही समय है। इस साल आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। अब आ जाइए वायु तत्व की राशियाँ 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन निश्चित रूप से ये साल बहुत शानदार आने वाला है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशियों के अंदर जबरदस्त शुभ और लाभ बरसा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा समय समय के ऊपर ध्यान भी रखिएगा। लेकिन कुल मिला के भाग्य उदय का समय है 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा। बहुत तेज और बुद्धि आपकी ताकत है, सही समय पर सही निर्णय अक्सर आप ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह स्थिति के अंदर आपको थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। रुके हुए काम, बनते बनते काम रुक सकते हैं। एक काम में यदि रुकावट आ जाए तो लगातार बड़ी रुकावट चलती रह सकती है, ये कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन बिल्कुल हैरान और परेशान ना होइए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा है, हर मुश्किल के बाद जीत है, ये याद रखिएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है, आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा, कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। याद रखिएगा, कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन यदि कर्म के साथ भाग्य का साथ मिल जाए या भाग्य को कर्म का साथ मिल जाए तो पोबारा हो जाते हैं। खाली कर्म करते हैं, भाग्य नहीं साथ देता है तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। भाग्य बहुत है लेकिन कर्म ही नहीं करते तो भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति भाग्य और कर्म का साथ ले लेता है वो कर्माधिपति योग कहलाता है। और उस कर्माधिपति योग यानी शनि और देव गुरु बृहस्पति का आपसी संबंध हो जाना, ये कर्माधिपति योग है। कर्म यानी शनि, भाग्य मतलब देवगुरु बृहस्पति, जब इनका सहयोग होता है तो निश्चित माने कोई आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए, आपकी सुझाव अवश्य दीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि सबसे पहले हम आप तक पहुँचे आप अपने हमारे नए शो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।